राजगंज में तैनात सीओ सदर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि सीओ ने उसे अपने घर में एक महीने तक कैद रखा और जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी सीओ अजय कुमार का तबादला कर दिया गया है और साथ ही उन पर कई संगीन धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। योगी के सुशासन में महिलाओं और बच्चियों से रेप छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मामला जब कानून के रक्षक यानी खाकी वर्दी का हो तो विश्वास नहीं होता। जी हां, ऐसा ही सनसनीखेज मामला सदर सीओ के खिलाफ कासगंज में दर्ज हुआ है, जिसमें एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई है। दरअसल इस पूरे मामले के तहत कासगंज के सदर सीओ पर देवरिया की एक युवती ने एक महीने से अपने सरकारी आवास में बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने युवती को बंधक बनाकर उत्पीड़न करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी सीओ अजय कुमार सिंह का तबादला भर्ती बोर्ड में कर दिया गया है। वहीं पीड़ित युवती ने पुलिस की कार्रवाई पर नाखुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी के सामने न्याय की गुहार लगाने की तैयारी करी है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये हैं कासगंज के सीओ सदर डॉक्टर अजय कुमार। इनके सरकारी आवास से बरामद युवती ने जो आरोप लगाए हैं उसे सुनकर पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई है। विभाग में हड़कंप मच गया है। पीड़ित युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीओ से उसकी जान पहचान देवरिया में तब से है जब से आरोपी सीओ उसके एक केस के सिलसिले में जांच अधिकारी थे। हालांकि युवती ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ कैसे आई, लेकिन उसने सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा आरोपी सीओ ने न सिर्फ उसे एक महीने से बंधक बना के रखा है बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे जलाकर यातनाएं दी गई। पीड़ित युवती के आरोप से सकते में आई पुलिस ने आनन फानन में डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव को सामने लाकर मामले में सफाई दी। युवती की तहरीर पर सीओ अजय कुमार सिंह के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। आरोपी सीओ का ट्रांसफर भर्ती बोर्ड में जरूर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में किरकिरी से बचने के लिए अजय कुमार पर केस तो दर्ज कर दिया, लेकिन उत्पीड़न की शिकार हुई युवती पुलिस की इस कार्रवाई से खुश नहीं है। पीड़िता की माने तो आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वहीं एसपी ऑफिस पर 4 घंटे चली बैठक के बाद जब युवती से इस पूरे मामले में पूछा गया तो उसका आरोप था कि मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मामला दबाने के एवज में सीओ सिटी पीड़िता को 1 लाख रुपए देने की पेशकश भी कर रहे हैं और मुंह बंद ना करने पर परिवार को सड़क पर लाने और देख लेने की धमकी भी दी जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस खाकी के कंधों पर है, वही खाकी महिलाओं की आबरू को अपने पैरों तले कुचलती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस युवती की आवाज आला अधिकारियों और सीएम योगी के कानों तक पहुंचेगी या फिर इसी तरह युवती की चीखें 4 दीवारियों में कैद होकर दब जाएगी। कासगंज से प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।